मुझे आज खेतों के किनारे टहलते हुए एक घास दिखी तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूं। और ये इस घास को शेयर करने की वजह ये है कि बहुत से लोग जो खाने के शौकीन होते हैं वो इसके सीड्स ऑनलाइन मार्केट से जाकर के परचेज करते हैं, ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये घास आसानी से हर जगह मिल जाती है। आसानी से आप इसे ढूंढ करके इसके सीड्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं, और ओरिजिनल, क्योंकि मार्केट में जो बिकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिक्सचर भी होता है, कई बार हमें नकली सीड्स मिल जाया करते हैं। इस घास के सीड को आप कलेक्ट करके अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें औषधीय गुण भी हैं, वो सब मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस घास को कहते क्या हैं, इसे पहचानना कैसे है, और इसके साथ ही साथ इसका यूज़ किचन में कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ इसे आप कहां से पा सकते हैं, और इसके औषधीय लाभ क्या है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ प्लांट से जुड़े हुए आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लिया करें। कोई भी सवाल सुझाव रहा करता नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही दिया करें। देखिए ये हुरहुर का प्लांट है, इसे हुरहुर हमारे यहाँ पे बोला जाता है, कुछ जगहों पे इसे हुरहरिया, कुछ जगहों पे जंगली जीरा, कुछ जगहों पे बुगरा, कुछ जगहों पे जगिया, कुछ और अंग्रेजी में इसे वाइल्ड मस्टर्ड, वाइल्ड क्यूमिन, मतलब कि अलग अलग नामों से अलग अलग रीजन में जाना जाता है। इसको पहचानना कैसे, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहले तो इसकी पत्तियाँ इस तरह से होती हैं, इस पाँच के पेयर में इसकी पत्तियाँ होती हैं, उसके साथ ही साथ इनमें पीले रंग के फूल आते हैं। इस वाले पीले रंग के फूल ठीक दिख नहीं रहा, दूसरे पेड़ पर दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरह से पीले रंग के फूल आते हैं इसमें, और इसमें लंबी लंबी फलियां भी लगती हैं। फलियों को पकने के बाद इसमें काले काले से बीज निकलते हैं। इस तरह से झाड़ी नुमा ये पौधा होता है, बड़े आराम से इसको आप दूर से ही देख करके पहचान सकते हैं। देखिए अभी तो इसकी कोई फली पकी नहीं है, जब भी इसकी फली पकेगी तो मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना करके अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल दूंगा। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर लें, मेरे इंस्टाग्राम पेज की आईडी है टेक गार्डन YT, वहाँ पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर लें, इसे जब भी मैं इसका वीडियो डालूं तो आपको वहां पे मिल जाए। देखिए अब बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ क्या क्या होता है। देखिए इसका यूज़ जो मेरे यहाँ पे बहुत पहले से होता आ रहा है वो ये होता है कि इसको सरसों की तरह या फिर जीरे की तरह बोल सकते हैं, बोलते भी इसको हैं जंगली जीरा या फिर वाइल्ड मस्टर्ड, क्योंकि इसका यूज़ जो है लगभग लगभग जो राई होती है या फिर जीरा होता है उसके समान होता है। तड़के में इसका यूज़ किया जाता है अच्छे से फ्लेवर को ऐड करने के लिए। अगर आप बोर हो चुके हों जीरे के फ्लेवर से, अगर आप बोर हो चुके हैं राई के फ्लेवर को ऐड करते करते, तो इसकी जगह पे आप इसकी सीड को यूज़ कर सकते हैं, अलग सा फ्लेवर आता है। पहला तो इसका यूज़ ये हो गया, आप दाल को तड़का लगाते वक्त, रायते में, सब्जी में, चटनी में, डोसे में तड़का लगाते वक्त, किसी भी चीज़ में जहाँ पर आप सरसों या फिर जीरे का यूज़ करते हैं वहाँ पर इसके सीड्स का यूज़ आप कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे पहाड़ी एरियाज हैं, बहुत से ऐसे यूपी बिहार के एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आज भी इनके सीड का यूज तड़के में किया जाता है एक अलग सा फ्लेवर ऐड करने के लिए। मिलेगा कहाँ पे आपको, सबसे पहली चीज तो बता दूं आपको, अक्सर ये खेतों में ऐसे ही उग जाया करता है। ये मेरे खेत है, ये भी एक खेत खाली पड़ा खेत है, उधर तिल के खेत है उसमें भी उगे हुए हैं। अक्सर आपको तिल के खेत में, अरहर के खेत में आपको बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा। पहचानना बहुत आसान है, पाँच या फिर तीन के पेयर में पत्तियाँ होती हैं, मोस्टली पाँच के पेयर में पत्तियाँ, नई पत्तियाँ होती हैं पाँच के पेयर में होती हैं, पीले रंग के फूल होते हैं, इस तरह से लंबी लंबी फलियाँ होती हैं, बहुत आराम से आप इनको पहचान लेंगे। अगर इन केस आपको नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर के परचेज कर, लेकिन समस्या इस बात की होती है तो ऑनलाइन वाले में बहुत ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ। अगर आपको ऑफलाइन इस तरह से खेतों में उगा हुआ दिख जाए तो आप इनके सूखे हुए सीड पॉट को कलेक्ट कर लें, उसको आप यूज़ कर सकते, क्योंकि वो प्योर होगा, असली फ्लेवर में होगा। क्योंकि होता क्या है कि एक तो मार्केट में जो मिलता है वो जरूरी नहीं कि प्योर हो, मिलावट हो सकती है, दूसरी चीज़ जो चीज़ फ्रेश मिल जाती है उसका फ्लेवर ही अलग होता है। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हुरहुर के प्लांट को पहचान रहे हैं, इसके साथ ही साथ आपने हुरहुर के बीजों का प्रयोग अपने खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया हुआ है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस पौधे के सीड का प्रयोग किस रेसिपी में किया हुआ है, उसके साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपको इसका स्वाद कैसा लगा है। और एक चीज़, बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनका लोकल लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम होता है, जैसे हुरहुर के प्लांट को ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आपकी लोकल लैंग्वेज में आप किस जगह से हैं और वहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत से लोग
इस प्लांट को देखते हैं लेकिन उनके लोकल लैंग्वेज में अलग नाम से जाना जाता है, इसीलिए वो इसको पहचान नहीं पाते। तो और लोगों की भी मदद हो सकेगी, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका लोकल लैंग्वेज आपके यहाँ पे क्या नेम है ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप खाने में हुरहुर के बीज का तड़का लगाते हैं तो आपको स्वाद के साथ ही साथ अगर किसी को बुखार हुआ है, किसी को लीवर की समस्या है, सांस फूलती है या फिर उसे डायरिया यानी कि दस्त बनी रहती है तो उसमें भी आपको आराम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर किसी को सर दर्द हो रहा है, इसके पत्तों को आप तोड़ लें, उसे पीस करके सर पे लगा दें, आपको आराम देखने को मिलेगा। किसी को हड्डियों के जोड़ में दर्द बना रहता है तो वहाँ पे आप इसके बीजों को पीस करके उसका लेपन कर दें, उसको आराम देखने को मिलेगा। अगर किसी को पाइल्स यानी बवासीर की समस्या है तो इसके बीजों को सुबह सुबह पानी के साथ चबा करके खा लें, कुछ दिनों के बाद उसको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। चर्म रोग जैसे कि दांत, खाज, खुजली में भी हुरहुर की पत्तियों का लेप काफ़ी ज़्यादा लाभ प्रदान करता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने इस पौधे को पहचान लिया होगा। अगर आप नेक्स्ट टाइम आपको ये पौधा दिखता है तो इसके सूखे हुए बीज कलेक्ट कर सकते हैं तो वो कलेक्ट कर लीजिए। अगर छोटा पौधा है तो उसे वहाँ से उखाड़ करके अपने गमले में जरूर जगह दीजिए और इसका यूज़ करके अपने खाने का टेस्ट तो बढ़ाइए, उसके साथ इसके आयुर्वेदिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।